अब देखो एक छोटा सा वंश रह जाता है, वो भी राठौड़ वंश से संबंधित है, किशनगढ़। कौन सा बताओ? तो किशनगढ़ का एक ही व्यक्ति के बारे में पूछा जाता है, किशनगढ़ का राठौड़ वंश। कौन सा वंश? राठौड़ वंश। केवल एक ही व्यक्ति के बारे में पूछा जाता है किशनगढ़ से, वो है सावंत सिंह। कौन सा सिंह? सावंत सिंह। लेकिन आप ध्यान दो, मैंने जब मारवाड़ का राठौड़ वंश पढ़ाया होगा तो मैंने एक जगह एक शब्द लिखाया होगा कि फलाने सिंह के द्वारा किशनगढ़ में राठौड़ वंश की स्थापना की गई थी। बताओ वो फलाना सिंह कौन सा है, कब की गई थी, और किशन सिंह कौन था। सही बात आया, बिल्कुल। ऐसे एक्टिव रहो, जब जाके मजा आएगा पढ़ने का, ठीक है ना। क्योंकि आपके लिए दोहरा तोहफा दे चुकी है सरकार, दोहरा क्या तिहरा तोहफा, क्योंकि आप पटवारी की भी वही सेम तैयारी और राजस्थान पुलिस की भी वही तैयारी, इसलिए हल्के में ना ले। मैं आपसे फिर भी बोल रहा हूँ, आप फिर मत कहना कि साहब रह गए हम, दो तीर मारेंगे, आप डबल तीर मार सकते हैं। अभी तक जब मैं कला संस्कृति पढ़ाऊंगा तो कला संस्कृति जब पढ़ाएंगे तो तीसरे में भी अपन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कला संस्कृति आएगी वहां पे हाईकोर्ट में। समझ में आया ना? तो अभी तक जो अपना मामला चल रहा है वो राजस्थान पुलिस के हिसाब से और पटवारी के हिसाब से है, और राजस्थान पुलिस पटवारी के हिसाब की बात नहीं करता मैं तो। राजस्थान में जितनी भी भर्तियां आयोजित होती है सब में होगा, सब में आएगी। अब लाइब्रेरियन का पेपर है 29 दिसंबर को, लाइब्रेरियन का पेपर है, उसमें 50 क्वेश्चन ये जो मैंने पढ़ाया इसके आने वाले 100 नंबर के। कितने के बताओ? एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो वो भी तो तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी ये कोई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो पूरा महाराणा प्रताप दे रखा है उसमें, महाराणा प्रताप टॉपिक दे रखा है, तो महाराणा प्रताप को छाट के पढ़ लो वहां से। समझ में आया ना? सेकेंड ग्रेड में पूरी राजस्थान जी की दे रखी है, और ये टेक्नीशियन हेल्पर वगैरह इनमें जो राजस्थान में होते हैं उनमें पूरी राजस्थान जी के दे रखी है, पढ़ो ना। तो राजस्थान में जो भी भर्ती आयोजित होती है उनमें राजस्थान जी के आना ही है, ठीक है ना। तो अब अपन बात करते हैं, लाइव हो जाए जब मेरे को बता देना, ओके। तो ध्यान दो, अपन बात करते हैं कि किशनगढ़ में राठौड़ वंश का जो संस्थापक हुआ था, संस्थापक जो हुआ था वो हुआ था किशन सिंह राठौड़। कौन सा सिंह? किशन सिंह राठौड़ हुआ था दोस्तों, किशन सिंह राठौड़ के द्वारा। किशन सिंह राठौड़ के द्वारा यहाँ पर इसकी क्या की गई थी? स्थापना। संस्थापक की बात करते हैं तो संस्थापक जब ये बना था तो इसका समय जो था वो था 1609 ईस्वी। कितना था बताओ? 1609 ईस्वी। दोस्तों इसके पिताजी की मैं बात करता हूँ तो इसका पिताजी आपको पता होगा मोटा राजा उदय सिंह था। कौन था बताओ? मोटा राजा उदय सिंह से ये गुस्सा होकर आ गया था, मोटा राजा उदय सिंह से गुस्सा होकर ये चला गया था, और इसने कौन से नगर की स्थापना की? किशनगढ़ की स्थापना की थी। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, इस किशनगढ़ का जो सबसे चर्चित जो शासक हुआ था, सबसे प्रसिद्ध जो शासक हुआ था, किशनगढ़ का सबसे प्रसिद्ध, किशनगढ़ का जो सबसे प्रसिद्ध जो शासक हुआ था, सबसे प्रसिद्ध शासक, उसका नाम आता है सावंत सिंह। कौन सा सिंह? सावंत सिंह आता है इसका नाम। तो इसकी अपन बात करने वाले हैं सावंत सिंह की। तो पहले किशनगढ़ का राठौड़ वंश डाल के हेडिंग और इन बातों को यहाँ तक सेट कीजिए, फिर इसकी बात करेंगे सावंत सिंह की। हाँ, इसको यहाँ तक ऐसे ही छाप देना, यहाँ तक छाप देना, इसको भी लिख देना। बस्सी में क्या मोबाइल ले? सावंत सिंह की। तो अब मैं स्पेशल थोड़ा सा सावंत सिंह के बारे में चर्चा कर लेते हैं अपन। तो ये लगभग 1699 से लेकर 1674 ईस्वी तक रहे थे, इसकी 1674 में डेथ हो गई। तो सुनो, पहले इनकी बात सुन लेते हैं, जब उसके बाद क्या है कि लाइव हो जाएगा, लोग बाग उनको एक बार और रिपीट कर दूंगा। देखो सावंत सिंह की अगर मैं बात करता हूँ तो इनके साम्राज्य, इनके समय के जो इनका समय था उस समय बहुत ज़्यादा चित्रों का क्या हुआ था? निर्माण। इसलिए चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि किशनगढ़ में चित्रकला का स्वर्णकाल किसके समय को कहा जाता है? सावंत सिंह के समय को कहा जाता है। दोस्तों इसकी एक दासी थी, इसकी एक दासी थी, तो दासी जो थी वो बड़ी सुंदर थी, सुंदर दासी थी, लेकिन उसके पास मतलब वो भगवान कृष्ण की पूजा किया करती थी, और ये भी भगवान कृष्ण की पूजा करता था, तो खतरनाक भगवान कृष्ण की पूजा किया करती थी। कहते हैं कि
उसको, हालांकि उसका मूल नाम तो पता नहीं है, लेकिन कहते हैं कि साहब उसको लगभग बहुत सारे दोहा याद थे भगवान कृष्ण से संबंधित, तो इससे प्रेरित होके सावन सिंह इससे लग गया प्रेम करने, क्या लग करने लग गया था, प्रेम करने लग गया था, और उसको बोलने लग गया था बणी, क्या बोलने लग गया था, बणी ठणी बोलने लग गया था दोस्तों। तो इसका मूल नाम नहीं मिलता है, लेकिन इससे सावन सिंह किस नाम से पुकारता है, बणी ठणी के नाम, ओके, किस नाम से जानता था, बणी ठणी के नाम से जानता था। तो कहते हैं कि ये जो इतिहास में प्रसिद्ध होती है बणी ठणी के नाम से प्रसिद्ध होती है। तो ये बणी ठणी जो थी ये कहाँ की थी बनाओ, किशनगढ़ की। अब साहब कहते हैं कि चित्रों का निर्माण हुआ था इसके समय, बहुत ज़्यादा चित्रों का निर्माण हुआ था इसके समय, बहुत सारे चित्रकार हुए थे, जिनमें एक फेमस चित्रकार हुआ था उसका नाम पूछा जाता है बार बार, बस छोटा सा वंश है किशनगढ़ का राठौड़ वंश, एक खतरनाक चित्रकार हुआ था जिसका नाम आता है मोर ध्वज, कई बार एग्जाम में पूछा है ये मोर ध्वज निहाल चंद, कौन सा चंद बोल, मोर ध्वज निहाल चंद ये चित्रकार हुआ था दोस्तों। ये चित्रकार ऐसा था, इससे सावंत सिंह ने कहा था, बोले मेरी मैडम का चित्र बना बढ़िया ढंग का, ठीक है ना, बोले बनी टनी इधर उधर चली जाए ना तो मैं चित्र को देख लूंगा, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में कहते हैं कि मोर ध्वज निहाल चंद ने इतना गजब का चित्र बनाया, बोलो किसका चित्र बनाया, इसका चित्र बनाया, ठीक है ना, चित्र बनाया साहब। कहते हैं कि चित्र इतना खतरनाक था, खूबसूरत था उस दौरान, बिल्कुल एन ऐसी जैसे बिल्कुल सजीव चित्रण कर दिया, जैसे बाकी में ये बिल्कुल एन बैठी हुई है, तो इस प्रकार बनी टनी का इसने चित्र बनाया था, बोलो किसने, मोर ध्वज निहाल चंद ने। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बनी टनी के चित्र के चित्रकार कौन थे, बताओ, मोर ध्वज निहाल चंद, तो इनके द्वारा ये चित्र बनाया गया। अब ये जो चित्र है ना ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गया पूरे आज वर्तमान में, पूरे भारत में प्रसिद्ध है ये, विदेशों तक प्रसिद्ध है ये। कहते हैं कि वर्तमान में भी ये रखा हुआ है, और वर्तमान में ये जहां पर मिलता है वहां का एक संग्रहालय भी है जिसे नाम दिया गया किशनगढ़ संग्रहालय। किशनगढ़ अजमेर में आता है ना, किशनगढ़ वर्तमान में अजमेर की तहसील है ये। तो कहते हैं कि किशनगढ़ संग्रहालय में वर्तमान में इस बड़ी ठणी का क्या रखा हुआ है चित्र, आपको ध्यान देना है। इसको कहा जाता है भारत, इसे कह सकते हैं भारत की मोनालिसा, क्या कह सकते हैं, भारत की मोनालिसा कहा जाता है। और ये भारत की मोनालिसा इसे किसने कहा था, तो एक इतिहासकार का नाम आता है, क्या नाम आता है, एरिक डिक्सन, क्या नाम आता है बताऊं, एरिक डिक्सन के द्वारा इसे भारत की क्या कहा गया था, मोनालिसा कहा गया था। किसको बताओ, बनी ठनी के चित्र को। ध्यान देना ये बनी ठनी का चित्र जो है ये बहुत प्रसिद्ध है और ये कई बार पूछा गया है। तो इसके समय बहुत ज्यादा चित्रों का वर्णन किया गया था, चित्रों का वर्णन करने के कारण ही इसका समय चित्रकला का क्या कहलाया था, स्वर्णकाल। उसके बाद दोस्तों कहते हैं कि ये इतना लीन हो गए थे, इतना लीन हो गए थे कि आगे चल के इन्होंने ढूंढा भगवान कृष्ण का मंदिर, मतलब ये हमेशा ही भगवान कृष्ण की लीलाओं में लगे रहते थे दोनों के दोनों, मतलब एक तरफ तो भगवान कृष्ण और एक ये बन गई थी इसकी राधा। तो जितने भी चित्रकार हुए ना, जितने भी चित्रकार हुए थे इसके समकालीन, एक अमरचंद नाम का और होता है, ठीक है ना, तो वो उसकी भी बात करने वाला हूं मैं। तो जितने भी चित्रकार हुए थे उन्होंने अपने चित्रों में इनको भगवान कृष्ण और राधा के रूप में वर्णित किया था, किस किस को बताओ, सावन सिंह को और बनी ठनी को। उसके बाद दोस्तों कहते हैं कि ये चले गए, कहाँ चले गए दोनों के दोनों, वृंदावन में चले गए, कहाँ चले गए बताओ, वृंदावन में चले गए। इसने पूरा राजपाट छोड़ दिया भगवान कृष्ण के लिए और बनी ठनी के लिए, पूरा क्या छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया। और राजपाट छोड़कर ये भगवान कृष्ण की शरण में कहाँ चला गया, वृंदावन चला गया। वृंदावन जब गया था तो इसने अपना नाम बदल कर ये गया था, सावन सिंह की जगह ये क्या नाम बदल के गया था, नागरी दास, कौन सा दास, नागरी दास के नाम से ये चला गया था वृंदावन। और कहते हैं कि इससे पहले बनी ठनी की डेथ हुई थी, उसको सहन नहीं कर पाया था, सहन नहीं कर पाने के कारण आगे चल के 1774 में इसकी भी क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। तो ये इनकी बात आएगी और ठीक है ना। तो इस प्रकार ये सबसे चर्चित और सबसे फेमस ये शासक हुए थे किशनगढ़ के। उसके बाद छोटी मोटी रियासत थी, आपको पता है आगे चल के महाराणा राज सिंह के अधीन रहा था ये एरिया, याद करो, चारुमती किशनगढ़ की राजकुमारी, औरंगजेब विवाह करना चाहता था, सही है गलत है बताओ, मानसिंह राठौड़ यहाँ का जो युवराज था
तो उसकी बहन थी चारुमती, उसका विवाह करना चाहता था औरंगजेब से, लेकिन आप वो भी भगवान कृष्ण की पूजा करती थी। भाई एक तरफ तो मुस्लिम धर्म, एक तरफ हिंदू धर्म को मानने वाली थी चारुमती, तो चारुमती अपने धर्म की रक्षा की खातिर, अपने धर्म की रक्षा के खातिर लेटर लिखा महाराणा राज सिंह को, और राज सिंह से अपनी बात रखी थी, बोले मेरी लाज बचा, मेरे धर्म की रक्षा कर कैसे भी। तो महाराणा राज सिंह ने चारुमती से विवाह किया था, कहाँ की राजकुमारी थी बताओ, किशनगढ़ की। तो एक छोटी मोटी रियासत थी, लेकिन यहाँ पर राठौड़ वंश रहा था, ये इसका संस्थापक था, प्रसिद्ध शासक ये था, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए अपन को थोड़ा सा सावंत सिंह के बारे में ध्यान रखना है। तो सबसे प्रसिद्ध शासक किशनगढ़ का राठौड़ वंश, मैंने बताया संस्थापक किशन सिंह राठौड़ था, इनके पिताजी मोटा राजा उदय सिंह थे, ठीक है ना, जिन्होंने अपनी बेटी का विवाह अकबर से किया जहांगीर से, जिसका नाम आता है बानमती, ठीक है ना, जगत गोसाई भी कह सकते हैं। तो उसी का ये बेटा था, कहते कि उसी का रूठा हुआ बेटा था जो किशनगढ़ आया था, और किशन इसने अपने नाम पे ही किशनगढ़ शहर बसा दिया था। तो ये संस्थापक याद रखना है, और इसके बारे में याद रखना है, और अंतिम शासक याद रखना है, तीन चीज याद रखनी है इसमें से। तो ये कई बार क्वेश्चन आया है, ये वाला मोर ध्वज वाला, बनी ठनी के चित्रकार कौन थे। दोस्तों इस पर भारत सरकार के द्वारा डाक टिकट भी जारी किया गया है, क्या जारी किया गया बताओ, डाक टिकट जारी किया गया 1976 में, 5 मई 1976 के बाद इस पे डाक टिकट जारी किया गया, किस पे बताओ, बनी ठनी पर। इसको अपन आगे पढ़ेंगे चित्रकला वाले टॉपिक में, किस में पढ़ेंगे, चित्रकला वाले टॉपिक में, किशनगढ़ की स्पेशल अपन शैली पढ़ेंगे, चित्र शैली पढ़ेंगे, तो अपने आप याद आ जाएगा सावंत सिंह फिर से, ठीक। तो आओ, ये आप लिख चुके हो जो भी हमें लाइव देख पा रहे हैं, ठीक है, सभी के लिए गुड मॉर्निंग, और ये बात आप एडजस्ट करना, और प्रसिद्ध शासक सावंत सिंह हेडिंग डाल के इनके बारे में कुछ लाइनें लिखना लिखना। समय अमरचंद का एक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था, जिसका नाम आता है चांद के ऊपर संगोष्ठी, तो लिखना सावंत सिंह के समय, सावंत सिंह के समय चित्रकार अमरचंद के द्वारा चांद के ऊपर संगोष्ठी या इसको दूसरा भी नाम दिया गया है, सावंत सिंह के समय चित्रकार अमरचंद ने चांद के ऊपर संगोष्ठी या चांदनी रात पर संगोष्ठी संवाद कह सकते हैं, चांदनी रात पर संगोष्ठी पर चित्र बनाया, पर क्या बनाया, चित्र बनाया, और उसके बाद कुछ बातें और हैं, ये वृंदावन में जाएगा किसके नाम से बताओ, नागरी दास के नाम से। तो आपको ध्यान रखना है, नागरी दास के नाम से भी किसे जाना जाता है, सावंत सिंह को। लिखना त्री कहां पर बनी हुई है, उसने ये क्वेश्चन पूछा था, तो आप मुझे बताओ सावंत सिंह की छतरी किशनगढ़ में बनी हुई है या वृंदावन में बनी हुई है, हैं? सही बता रहे, देख लो एक बार, किशनगढ़ में नहीं है, किशनगढ़ में नहीं हो कहीं, तो सही बताया इनकी छतरी कहां पर बनी हुई है, वृंदावन में। तो एक लाइन लिख देना, लिखना सावंत सिंह की छतरी वृंदावन में बनी हुई है, सावंत सिंह की छतरी बोलो कहां पर बनी हुई है, वृंदावन में बनी हुई है। तो आपको ये बात याद रखनी थी, वृंदावन में इसकी छतरी क्या हुई है बताओ, बनी हुई है। किशनगढ़ को मुगलों ने अधिपत्य कर लिया था,
अधिपत्य हासिल करने के बाद किशनगढ़ चला गया था मुगलों के हाथ में। हालांकि उसके बाद महाराणा राज सिंह का जब शासन काल था तो राज सिंह के समय इसने औरंगजेब ने मूर्तियों को तोड़ना शुरू कर दिया था। तो तोड़ने के साथ साथ होता क्या है कि इसको किशनगढ़ को भी अपने अधिकार में ले लेता है। तो किशनगढ़ को जब अपने अधिकार में ले लेता है तो मुगलों के अधीन हो जाता है। ये थोड़ा ऐसे ध्यान रख लेना, ठीक है ना। क्या चीज? हाँ, तो ये ध्यान रख लेना, ये नहीं बताया क्या मैंने, ये बनी टनी जो चित्र वर्तमान में कहाँ रखा हुआ है, किशनगढ़ संग्रहालय में। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अगर पूछ ले तो लिखना बनी टनी चित्र वर्तमान में, बनी टनी चित्र वर्तमान में अजमेर के किशनगढ़ संग्रहालय में, अजमेर के किशनगढ़ संग्रहालय में रखी हुई है, अजमेर के किशनगढ़ संग्रहालय में रखी हुई है। कौन से संग्रहालय में बताऊं? किशनगढ़ संग्रहालय में रखी हुई है। ये बात थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है।